जबलपुर से आपको खबर बताते हैं, वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सचिन तेंदुलकर के पोस्टर पर कालिक पोतने का यह मामला सामने आया है, जिसको लेकर वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सचिन के पोस्टर पर कालिक लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का चरित्र सभी के सामने आ रहा है। कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल साउथ में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन तेंदुलकर के पोस्टर पर कालिक पोती, जिसके बाद हर ओर उसकी आलोचना हुई और अब वीडी शर्मा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है कि कांग्रेस कभी भी देश के लिए जिन्होंने काम किया है उनको वो स्वीकार नहीं करती। रिहाना से लेकर के ऐसे लोग जो देश विरोधी ताकतें हैं, कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी नजर आती है। लेकिन सचिन तेंदुलकर जैसे भारत रत्न, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, भारत को पहचान दिलाई पूरी दुनिया के अंदर, उनके चित्र पर कालिक पोतना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है।